अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब यूनिवर्सिटी के तीन प्रोफेसर दुनिया के बेहतरीन मुहक्किकीन में शामिल हो गए हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ने पंजाब यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस के डीन डॉक्टर खालिद महमूद, डीन फैकल्टी ऑफ साइंस डॉक्टर मोहम्मद शरीफ और शोबा रियाजी के डॉक्टर मोहम्मद अकरम को दुनिया के बेहतरीन मुहक्किकीन की फहरिस्त में शामिल किया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया ने पंजाब यूनिवर्सिटी के तीन प्रोफेसर को दुनिया के बेहतरीन 2% मुहक्किकीन में शामिल कर लिया है। इस मौके पर पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद का कहना है, पंजाब यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा के दुनिया के बेहतरीन 2% मुहक्किकीन में शमूलियत ना सिर्फ जामिया बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एजाज़ की बात है। इन्होंने कहा कि बैनुल अक्वामी रैंकिंग बेहतर बनाने के लिए हमारे इकदाम के समरात मिलना शुरू हो चुके हैं। इनका मजीद कहना था कि जामिया पंजाब को आलमी मयार तक ले जाने में तमाम असातिज़ा और शोबों का तआवुन हासिल है और इस तरह के इकदाम से ना सिर्फ मयार तालीम बुलंद होगा बल्कि तलबा भी बैनुल अक्वामी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के काबिल होंगे। तर्जमान पंजाब यूनिवर्सिटी मोहम्मद खुरम ने गुफ्तगू में बताया कि बेहतरीन मुहक्किकीन की आलमी दर्जा बंदी में तमाम शोबों से 1,60,000 मुहक्किकीन को शामिल किया गया था और पंजाब यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन को इनके तहकीकाती मुकालों की बैनुल अक्वामी जांच पड़ताल की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। बेहतरीन मुहक्किकीन में डॉक्टर खालिद महमूद ने खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आलमी मयार की तहकीक में लाखों मुकालों के बावजूद इनका और इनके दीगर साथियों के मकाले का मुंतखब होना बड़ा एजाज़ है। इन्होंने मजीद बताया कि ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी जो रिसर्च के लिहाज से दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटियों में शामिल है ने पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से 81 प्रोफेसर के रिसर्च मकाले दुनिया भर से मुंतखब 2% मुहक्किकीन की इस लिस्ट में शामिल किए हैं। इनके ख्याल में इससे ना सिर्फ हमारे जामियात में मयार तालीम बेहतर होगा बल्कि रिसर्च भी आलमी तकाज़ों से हम आहंग होगी। डॉक्टर खालिद महमूद ने जोर दिया कि आलमी सतह पर मुहक्किकीन की लिस्ट में शामिल होने से हमारी जामियात की आलमी रैंकिंग भी बेहतर हो जाएगी, इसलिए यहाँ के एजाज़ा को अपने मकाला जात और रिसर्च को बेहतर से बेहतर बनाना होगा ताकि ऐसे एजाज़ात में हमारी नुमाइंदगी बढ़ती जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफिज़।